जैन दोस्तों, तो आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा बेसिक शिक्षा भर्ती 69,000 जो चल रही है इस समय क्या विवादों में चल रही है आखिर, लेकिन उस पर कई सवाल हैं। उन्हीं सवालों के जवाब कुछ उससे जुड़ी बातें हम लेकर इस वीडियो में आए। ये भर्ती बहुत अच्छी चल रही थी और सबसे अच्छी बात है कोरोना टाइम में जब सब लोग घर पर बैठे थे तब इसका निर्णय आया, इसकी मेरिट लगी तो सभी को बहुत खुशी हुई कि ऐसे टाइम में एक अच्छी खबर आई है। लेकिन उसी में भी हाई कोर्ट गई है, सुप्रीम कोर्ट गई, शिक्षा मित्र अभ्यर्थी थे वो जो उसमें हैं वो भी बाहर हुए, कई उतार चढ़ाव हुए। आखिर भर्ती फिर लास्ट में 2 जून के आसपास काउंसलिंग शुरू हो रही थी और लगभग जून के लास्ट तक ज्वाइनिंग भी हो जाती। लेकिन फिर इसमें एक और दिक्कत आई कि अभी जो धर्मेंद्र वगैरह करे कई नाम हैं इसमें, संतोष कुमार बिंदे एक लेखपाल हैं और प्रयागराज के KL पटेल चिकित्सक बताए जा रहे हैं वो पकड़े गए। उस भर्ती में एक नया मोड़ा, कुल 11 लोग इसमें अरेस्ट हुए थे तो उसमें एक नया मोड़ आ गया कि कुछ लोग तो कहने लगे भर्ती बिल्कुल कैंसिल होगी कुछ लोग, लेकिन फिर इसी में सतीश द्विवेदी जो हैं बेसिक शिक्षा मंत्री उनका बयान आया कि भर्ती पर इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। इस पर लोगों ने राजनीति भी खूब हुई कई नेताओं, बड़े बड़े नेताओं ने, प्रियंका गांधी भी शामिल है उनमें, उन्होंने भी कई बयान दिए, कुल मिला के नेताओं के बयान आने लगे तो भर्ती पे राजनीति भी हो गई। लेकिन एक चीज़ आप जान लीजिए, अगर सरकार चाहेगी तो इस भर्ती में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसका उदाहरण मैं इसलिए देता हूँ। और एक चीज़, सुप्रीम कोर्ट चाहेगी तो भी कोई तो फिर कोई भी चाले, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहेगी भर्ती हो। वैसे एक चीज़ है, पिछली 2-4 भर्तियों का मैं अनुभव बताता हूँ आपको, जैसे मैंने अभी तक देखा है, भले ही मुझे अनुभव कम है लेकिन 3-4 भर्तियाँ मैंने देखी हैं। एक तो देखिए यूपी पुलिस की 2013 की भर्ती थी, उसमें जो है अभी तक 2020 तक लोग केस लड़ लड़ के अभी तक, आप फायरमैन के भी 1 महीने पहले ज्वाइनिंग हुई है फायरमैन वालों की, वो केस लड़ के आए हैं। और आपने देखी होगी 2011 की एक SSC की भर्ती है, उसमें भी पिछले साल ज्वाइनिंग हुई है, वो लोग केस लड़ रहे थे। तो ऐसा होता है कोर्ट में 3-4 भर्तियों के मैंने देखी हैं, कोर्ट में जो भर्ती जाती है तो जज होते हैं वो भी इंसान होते हैं, उनकी वो सोचते हैं कि ऐसा ना हो कहीं कानून की नज़र में क्या होता है किसी गलत को बचाने के चक्कर में सही को सजा ना मिल जाए, अभी भर्ती को कैंसिल कह दें तो सही स्टूडेंट हैं कहीं उनको वो डिप्रेशन में आ जाए, कोई गलत फैसला ले लें। तो इसलिए जो कोर्ट होता है वो हमेशा बच्चों के पक्ष में निर्णय लेता है, जो अभ्यर्थी हैं उनके पक्षों में निर्णय लेता है। तो सलेक्शन ज़्यादा हो जाए, वैकेंसी से भी ज़्यादा सलेक्शन हो चुका है उस भर्ती में जो मैं बता रहा हूँ 2013 यूपी पुलिस की भर्ती है, लेकिन फिर भी कोर्ट यही चाहती है चलो ठीक है जितने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं कुछ 1-2 पॉइंट सही मिल जाए उसी पे कोर्ट बच्चों के पक्ष में अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय सुना देती है। ये 3-4 भर्तियों का मेरा अनुभव है। तो इसी बात पर मैं कहना चाहता हूँ आप निश्चिंत रहिए, कोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा ये आदेश आएगा। अभी तो एक आदेश आया था कुछ दिन अभी एक हफ्ते पहले कि 33,000 के आसपास 37,339 जो पद हैं उनको होल्ड यानी रिजर्व रखा जाए, बाकी पदों पे भर्ती करा दी जाए क्योंकि विवादों में या सारी भर्ती होल्ड कर दी जाए। लेकिन फिर भी इस पे 6 जुलाई और 14 जुलाई को निर्णय आना है, अभी बाकी है, जहाँ तक तो इसी में निर्णय हो जाएगा, एक आध डेट और डल भी सकती है, उम्मीद है इसी में निर्णय हो जाए। तो मेरा मानना है, जैसा कि थोड़ा बहुत मेरा अनुभव है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, निर्णय यही आएगा कि भर्ती प्रक्रिया चालू रहेगी और जो UPST अब जांच कर रही है उसकी वो जांच चलती रहेगी, बाद में जो जांच में जो दायरे में आएंगे उन पर कार्रवाई होगी। ऐसा अब तक की जो मैं 3-4 भर्तियाँ मैंने देखी हैं उनका अनुभव जो कोर्ट में, उनके अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ मैं खुद ये नहीं कह रहा कि ये कोर्ट का निर्णय, लेकिन उस हिसाब से कोर्ट ज़्यादातर अपने पुराने निर्णयों के आधार पर ही नए निर्णय लेता है, तो उनके आधार पर मैं बता रहा हूँ। तो इसमें 11 लोग उसमें STF जांच कर रही है, समस्या कोई नहीं है। देखिए इसमें दो भागों में बटी हुई भर्ती, कुछ लोग चाह रहे हैं कि भर्ती कैंसिल हो, कुछ लोग चाह रहे हैं भर्ती कैंसिल ना हो। कैंसिल हो वो कौन कह रहे हैं, जो लोग बाहर हो चुके हैं यानी नॉट सेलेक्टेड, जो सेलेक्टेड अभ्यर्थी हैं वो तो 100% चाहेंगे भर्ती हो, क्योंकि देखिए गलती आप दोनों में से किसी की नहीं है, जो सेलेक्टेड नॉट, अगर जो सेलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड वाली जगह पर होते
तो वो ये सोचते भर्ती कैंसिल होती है, और जो नॉट सेलेक्टेड है वो सेलेक्टेड वाली जगह पे होते तो भी यही सोचते कि भर्ती हो। जो जगह सिचुएशन के हिसाब से इंसान की सोच थोड़ा परिवर्तित हो जाती है। जैसे मैं सेलेक्ट नहीं हुआ तो मैं तो यही सोचूंगा भर्ती कैंसिल हो जाए, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है। मान लीजिए आप मान रहे हो 69,000 में से 4-5,000, मान लीजिए 100-200 हों, 1,000 हों, 9,000 हों, 10,000 हों, 20,000 हों, 50,000 तो सही है, जो सही अभ्यर्थी हैं उनकी तो कोई गलती नहीं है। क्या पता उनमें ऐसे भी हों जिन्होंने मेहनत मजदूरी करते हों, उन पर कुछ ना हो, वो इसी भर्ती पे टिके हुए हों, उनकी आस यही हो, लास्ट उम्मीद हो, फिर उन्हें तैयारी का मौका ना मिले, उन्होंने मजदूरी की हो, क्या पता कैसे कैसे तैयारी की हो, अब वो फिर से तैयारी ना कर पाए तो उनकी तो उम्मीद टूट जाएगी ना, उनकी क्या गलती है। कुछ लोग भ्रष्ट हैं, उनकी वजह से सही लोगों को सजा नहीं मिलनी चाहिए, मेरा यही मानना है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि भर्ती कैंसिल हो, ऐसा नहीं होगा। आप लोग ऐसी आशा ना रखें जो नॉट सेलेक्टेड हैं, जो बाहर हो गए, जिससे कोई फ़ायदा नहीं है। अब नेक्स्ट भर्ती, एक दरवाज़ा बंद हुआ है, बहुत सारे रास्ते खुले हैं, लेकिन भर्ती कैंसिल नहीं होगी, ये मेरा मानना है। 99% श्योर है भर्ती कैंसिल कभी नहीं होगी, हो ही नहीं सकती है, कोई चांस नहीं। कोर्ट का निर्णय बस यही आने वाला है मेरे हिसाब से, और पिछले कई निर्णयों के हिसाब से, मैं अपने हिसाब से नहीं, पिछले कई निर्णयों के हिसाब से कि भर्ती प्रक्रिया चलती रहेगी, और यूपी जो एसटीएफ है, जो पुलिस की टीम है, वो जांच करती रहेगी। और 14 जुलाई को जो भी निर्णय आएगा उसके साथ मैं तो सोचता हूँ जैसे जो भर्ती का निर्णय आए, आपकी काउंसलिंग जल्दी शुरू हो, ज्वाइनिंग मिल जाए। अभी तक तो आपको शायद जुलाई के लास्ट में ज्वाइनिंग मिल जाए। मेरे भी साथ वाले कई लड़के हैं, कई लोग हैं जो इस भर्ती में सेलेक्टेड हैं। 2 जून को उनकी भी काउंसलिंग थी, मैं भी गया था साथ मथुरा में, तो लेकिन नहीं हो पाई काउंसलिंग। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, डिप्रेशन में मत आइए, बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर रहिए। आप मेरे से काफ़ी लोग एज में बड़े भी होंगे, मैं इतना वो नहीं हूँ कि अनुभव नहीं मुझे ज़्यादा कि मैं आपको राय दे सकूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा अनुभव है भर्तियों के। मैंने डीपली देखा है कि पिछली कई भर्तियाँ कोर्ट में गई हैं, उनका निर्णय किस आधार पर आया है। तो 1% ये तो नहीं है कि भर्ती कैंसिल हुई, ये तो होना ही नहीं है। हाँ, थोड़ा इधर उधर कुछ निर्णय आ जाएगा, आप टेंशन फ्री रहिए, बस आपकी 1-2 महीने ज्वाइनिंग और काउंसलिंग डिले हुई है, बाकी आप सेलेक्टेड हैं, टेंशन फ्री रहिए। मिलते हैं आपसे 14 जुलाई को, क्या निर्णय आने वाला है इस पे, उसी के साथ डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।